देवाची स्तुती असो. परमेश्वर ने आप लोगों के सामने मुझे एक जीवित गवाह के खड़ा किया से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. देवाने मला तुमच्या मध्ये जिवंत उभा केलं म्हणून तुमचा आभार मानते. मैं अपनी छोटी सी गवाही आप लोगों को बताना चाहती हूँ. मी छोटी लहान साक्ष्य तुमच्या समोर सांगणे इच्छिते. मेरा जन्म एक मसीह को ना जानने वाले परिवार में हुआ. माझा जन्म ख्रिस्ताला न ओळखणाऱ्या कुटुंबामध्ये झाला. और मेरे परिवार में हम तीन बहन और एक भाई है. माझ्या कुटुंबामध्ये तीन बहिणी आणि एक भाऊ आहो. और मेरी बड़ी बहन के जन्म के पश्चात माझ्या मोठ्या बहिणीचा जन्म झाला तेव्हा उसके बाद मेरी बड़ी बहन के जन्म के बाद माझ्या मोठ्या बहिणीचा जन्म झाल्यानंतर उसके बाद मेरा जन्म होने के बाद त्याच्यानंतर माझा जन्म झाल्यावर तो मेरे घर के लोग खुश नहीं थे. माझ्या कुटुंबातील लोक आनंदित नव्हते. क्योंकि हर एक परिवार में सब लोग चाहते कि पहले बेटी होने से दूसरा बेटा होना चाहिए. कारण प्रत्येकांना असं वाटत होतं मुली झाल्यावर नंतर मुलं झाली पाहिजेत. इस कारण मेरा दूसरा बेटी होके जन्म होने के कारण लोग मेरे परिवार के लोग खुश नहीं थे. माझा मुलगी म्हणून जन्म झाला म्हणून माझ्या कुटुंबातील लोक आनंदित नव्हते. और इसी प्रकार जब मैं 10 महीने की थी ह्याच प्रकारे मी जेव्हा 10 महिन्याची होते तो मुझे बहुत बुखार हुआ. मला खूप ताप आला. और मेरी मम्मी मुझे हमें बच्चों को कभी भी जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती थी. आणि माझी आई कधीही लवकर वैद्यांकडे घेऊन जात नसे. ओ सोचते थे कि कैसे भी घर में ठीक हो जाएंगे. तिला असं वाटत असेल की घरातला उपाय करून ती ठीक होईल. लेकिन मेरा बुखार कम नहीं हुआ. पण माझी ताप काही कम झाली नाही. ऐसे ही मैं बुखार में पड़ी रही. अशीच मी तापात जीवन जगले. और 5-6 दिन हो गया. 5-6 दिवस झाल्यानंतर जब मेरे पापा को बताया कि ये इसका बुखार उतर नहीं रहा है इसे हॉस्पिटल लेके जाना. जेव्हा माझ्या वडिलांना सांगितलं हिचा ताप उतरत नाही हिला वैद्याकडून घेऊन जावा तेव्हा तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया. तेव्हा त्यांनी काही लक्ष दिले नाही. तो उसके बाद फिर मम्मी ने भी छोड़ दिया. त्याच्यानंतर आईने सोडून दिलं. ऐसे करके मुझे और भी बुखार बढ़ता गया. असं करून माझी ताप वाढत गेली. ऐसे 10-15 दिन हो गया. 10-15 दिवस झाली. उसके बाद फिर मम्मी मैं बहुत मतलब फीवर मेरा बुखार उतरा नहीं करके फिर मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई. माझा ताप उतरला नाही म्हणून आई माझी वैद्याकडे घेऊन गेली. डॉक्टर के पास लेके जाने से डॉक्टर ने कहा ये हम ये केस नहीं ले सकते. वैद्यांकडे घेऊन गेले और ते म्हणाले हे केस आम्ही घेऊ शकणार नाही. क्योंकि ये बहुत बुखार इसका बहुत ज्यादा हो गया है. कारण हिचा ताप तीव्र वाढला आहे. ये बच्ची बचेगी करके हम नहीं बोल सकते. ही मुलगी वाचेल असं आम्ही सांगू शकत नाही. इस कारण इसे अगर आप लोग बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे हम लिख कर देते अगर लेके गए तो बच सकती है. मैं तुम्हाला सांगतो मोठ्या हॉस्पिटल मध्ये घेऊन जा तिकडे वाचली तर ती वाचेल. उसके बाद फिर मम्मी मुझे रातों रात मम्मी और पप्पा दोनों भी मुझे रातों रात बड़े एक हॉस्पिटल में लेकर गए. रात्रीच माझी आई आणि माझे वडील मला दवाखान्यात घेऊन गेले. बड़े एक हॉस्पिटल में लेकर गए. मोठ्या दवाखान्यात घेऊन गेले. वहां पर डॉक्टर को दिखाने से उन्होंने भी जवाब दे दिया. तिकडे वैद्यांकडे दाखवले और त्यांनी उत्तर दिले. उन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है. त्यांनी म्हटले हे आमच्या हातामध्ये नाही आहे. क्योंकि बुखार सिर में चढ़ गया था. कारण ताप डोक्यात गेली होती. इसलिए उन्होंने कहा कि आप ऊपर वाले से प्रार्थना करिए अगर वो जीवन देने से दे सकता है. म्हणून त्यांनी सांगितले तुम्ही वरच्याला प्रार्थना करा त्यांनी जर जीवन दिले तर दिले. क्योंकि हम मसीह को तभी नहीं जानते थे. कारण ख्रिस्ताला आम्ही तेव्हा ओळखत नव्हतो. लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मुझ पर चित्त लगाया था. पण ज्या देवाने आईच्या गर्भामध्ये माझ्यावर चित्तवृष्टी ठेवली होती उसने मुझे नहीं छोड़ा. त्याने मला सोडलं नाही. उसने मुझे नया जीवन दिया. त्याने मला नवीन जीवन दिले. लेकिन सच्चाई को ना जानने के कारण पण सत्य आम्हाला माहिती नव्हते. और किसने मुझे नया जीवन दिया वो भी ना जानने के कारण. आणि मला नवीन जन्म कोणाला दिलं हे पण मला ठाऊक नव्हते. उसी प्रकार अंधकार में जीवन बिताते रहे. त्याच प्रकारे अंधारात आम्ही जीवन जगत होतो. और वही रीति रिवाज में भक्ति के साथ हमारा पालन पोषण किया गया. आणि त्याच रीति रिवाजाने आमचं पालन पोषण झालं. और ऐसे ही मैं बढ़ते गई. आणि अशीच मी वाढत गेले. और जब मैं बड़ी हुई तो मैं दुनिया की खुशी में मैंने जीवन बिताना चाहा. जसे मी वाढत गेले जगातील खुशी मध्ये माझं जीवन मी व्यतीत केलं. दुनिया की खुशी में मैंने आनंद और शांति को पाना चाहा. जीवनातील खुशी मध्ये मी माझं जीवन आनंदित करू इच्छित होते. लेकिन मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी. पण माझ्या जीवनात काही शांती नव्हती. मुझे मेरे जीवन में बहुत ही मतलब बेचैनी थी. माझ्या जीवनात खूप अडीअडचणी आणि अव्यवस्थित माझं जीवन होतं. इसी प्रकार से मैं ऐसी चाहती थी कि मैं कैसे भी अपने आप को खत्म कर दूं. मला असं वाटत होतं मी स्वतःला नाश करावा. बहुत बार मैंने सोचा. खूप वेळा मी असा विचार केला. और बहुत मैं सोचती थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे शांति मिलेगी. मी असा विचार केला मी मेल्यावर मला शांति प्राप्त होईल. लेकिन
परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बड़ा था पण देवाची कृपा माझ्यावर मोठी होती परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर थी देवाची चित्त रुष्टि माझ्यावर होती इसलिए परमेश्वर ने मुझे नाश होने से बचा लिया म्हणून मला देवाने नष्ट होण्यापासून वाचवले इसी प्रकार समय बीतते गया ह्याच वेळी दिवस गेले जात होते और 1993 में 1993 में 1993 मध्ये मेरे पप्पा का हार्ट अटैक से मौत हो गई हृदयाच्या झटकाने माझ्या वडिलांची मृत्यू झाली और उसके बाद हमारे लिए इस बॉम्बे शहर में कोई भी सहारा नहीं था मुंबई ऐसे परिसरात आमच्या कुटुंबासाठी कोणतेही अडचण किंवा मदत असं कोणीही नव्हतं और हम बहुत अकेले पाए गए आम्ही एकटे होतो लेकिन उसी समय मसी जो मसी भाई लोग वो हमारे घर में आकर उन्होंने येशू मसीह के बारे में हमें सुसमाचार सुनाया पण त्याच वेळी ख्रिस्त बंधू आणि भगिनी आमच्या घरी येऊन आम्हाला संदेश सांगितला उन्होंने कहा कि ये संसार का पिता नहीं होने से भी एक स्वर्गीय पिता है जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता त्यांनी सांगितलं जगिक पिता नसेल तरी स्वर्गातील पिता आहे तो कधी आपली साथ सोडणार नाही आप लोग उसको उसके ऊपर विश्वास रखिए तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवा और वे भाई लोग आके हमारे घर में प्रार्थना करते थे आणि काही भाऊ येऊन आमच्या घरामध्ये प्रार्थना करू लागले जब वे प्रार्थना बीच में आके प्रार्थना करते थे जेव्हा ते प्रार्थना करे मध्ये मध्ये येऊन प्रार्थना करत असे तो मैं उनके साथ प्रार्थना में नहीं बैठती थी तेव्हा मी त्यांच्या सोबत प्रार्थनेत बसत नसे परिवार में सारे लोग बैठते थे कुटुंबातील सगळे लोक बसत होते पर मैं उनके साथ नहीं बैठती पण मी त्यांच्या सोबत बसत नव्हते क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कारण मला विश्वास नव्हता इसी प्रकार मैं एक बार वे लोग सब मिलके प्रार्थना करते समय त्याच प्रकारे एकदा सगळे मिळून एकत्रित प्रार्थना करत असताना तभी उन्होंने गीत गाया तेव्हा त्यांनी गाणं गायलं एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है एक आई प्रमाणे देव सात्वना देतो जब उस गीत को मैंने सुना जेव्हा ते गाणं मी ऐकलं तो मुझे लगा कि सचमुच प्रभु शांति देने वाला परमेश्वर है तेव्हा मला असं वाटलं खरोखर देव शांति देणार आहे क्या मुझे वो शांति देगा काय तो मला सात्वन देईल काय और जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे तो मैं भी जाके उनके बीच में बैठ गई जेव्हा ते प्रार्थना करीत असे तेव्हा मी त्यांच्या मध्यभागी जाऊन बसले और जैसे वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे जेव्हा ते देवाची स्तुति करत असे मैं भी तारीफ करने लगी मी ही त्यांचा धन्यवाद करत होते और जब मैं करने लगी तो मेरे मुंह में तारीफ तारीफ आ ही जा रहा था जेव्हा मी करत होते तेव्हा माझ्या तोंडामध्ये स्तुती स्तुती अशी येतच होती मैं कितना कोशिश की कि मैं बंद कर दूं मी किती प्रयत्न केला मी बंद करू पर प्रभु की शक्ति मुझ में उतर कर आई देवाची शक्ति माझ्यावर उतरून आली मुझे बहुत डर लग गया मला खूप भीती वाटली और मैं वहां से उठकर कैसे भी करके मैं वहां से उठकर चले गई आणि कसेही करून मी तिथून उठून गेले तब मैंने सोचा तेव्हा मला असं वाटलं की इतने सालों से जो जिसके हम करते थे आराधना पूजा एवढ्या वर्षापासून आम्ही ज्याची पूजा करत होतो तभी मुझे कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ था तेव्हा मला असं काय अनुभव जाणवला नाही तो आज इस समय में कैसे मुझे प्रभु ने ऐसी शक्ति दिया आज ह्या वेळी कशी देवाने मला शक्ति दिली तब मैं सोची सचमुच जीवित परमेश्वर है तेव्हा मला असं वाटलं खरोखर देव जिवंत आहे और उसके बाद मैं प्रभु की प्रार्थना करने लगी त्याच्यानंतर मी देवाची प्रार्थना करू लागले और हम चर्च जाने लगे आणि आम्ही कलिसामध्ये जाऊ लागलो मैं और मेरी छोटी बहन मी आणि माझी छोटी बहीण हम प्रार्थना में चर्च में जाते थे आम्ही प्रार्थनात मंडळीत जात असो और 1995 में 1955 मध्ये पानी का बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने मदद किया पाण्याचा बपतिस्मा घेण्यासाठी देवाने मदत केली उसके बाद भी हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला था त्याच्यानंतर ही पवित्र आत्मा आम्हाला भेटला नव्हता 3 साल से हम लोग कलिसिया में जाते थे 3 वर्षापासून मंडळी जात होतो तब हमारे उस कलिसिया में कांदिवली में रहने वाले भाई लोग हमारे कलिसिया में आके सुसमाचार सुनाए कांदिवलीत राहणाऱ्या भाऊंना आम्हाला संदेश सांगितला उस कलिसिया में हमें वचन बताया त्या मंडळीत येऊन आम्हाला संदेश सांगितला और उन्होंने बताया कि विलेपार्ले में एक बड़ा चर्च है आणि त्यांनी सांगितलं विलेपार्ले या सभात एक मोठं चर्च आहे वहां पर आप आइए तिकडे तुम्ही या वहां पर प्रभु के सेवक लोग हैं वहां सेवा करते हैं तिकडे देवाचे सेवक लोक तिकडे सेवा करतात आप लोग वहां आने से आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर मिलेगा तुम्ही तिकडे आल्यावर तुम्हाला पवित्र आत्माचा अभिषेक नक्की मिळेल तो उस समय हम वहां पर गए विलेपार्ले चर्च गए त्यावेळी आम्ही विलेपार्ले या मंडळीत गेलो जब मैं और मेरी छोटी बहन वहां चर्च में गए जेव्हा मी आणि माझी लहान बहीण त्या सभेमध्ये गेलो तब हमने तभी सोच लिया की हम सेवा में जाएंगे तेव्हाच आम्ही विचार केलेला की आम्ही सेवेमध्ये जाणार लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे पण त्याच्याविषयी आम्हाला काही ठाऊक नव्हतं क्योंकि सेवा में तो पवित्र आत्मा का अभिषेक बाकी 3 साल होना चाहिए कारण की सेवेमध्ये येऊन 3 वर्ष झाला पाहिजे होता और बाइबल पढ़ना चाहिए 3 बार आणि शास्त्र वाचलं पाहिजे होतं 3 वेळा हे सब हमें नहीं पता था हे सर्व आम्हाला ठाऊक नव्हतं जब हम धीरे धीरे कलिसिया में आने लगे हळूहळू जेव्हा आम्ही मंडळीत येऊ लागलो तेव्हा हमें टीपीएम की सच्चाई के बारे में पता चला टीपीएम या सत्याविषयी आम्हाला कळालं तब उसके बाद हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा में और परमेश्वर के अभिषेक में भरने लगे त्याच्यानंतर हळूहळू पवित्र आत्मा मध्ये आम्ही वाढत गेलो
1997 मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, मला पवित्र आत्माचा अभिषेक प्राप्त झाला। उसके बाद प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातें करने लगा, त्याच्यानंतर देव पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकच्या द्वारे माझ्याशी बोलू लागला, और बहुत सारी भविष्यवाणी के द्वारा और स्वप्न दर्शन के द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रभु मुझे बुलाहट दिया, संदेशाद्वारा किंवा स्वप्नाद्वारा देवाने माझं पाचारण केलं, और जब सबसे पहले प्रभु ने मुझसे बातें किया, सर्वात प्रथम जे देव माझ्याशी बोलला तेव्हा प्रभु ने कहा मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरी है, देवाने म्हटले मी तुला नाव घेऊन बोलवलं, तू माझी आहेस। मैंने मन में तो सोचा था की हम सेवा करेंगे, मी मनात विचार केलेला की मी सेवा करेल, जब प्रभु का बुलाहट मिला तो मैं बहुत डर गई, जेव्हा पाचारण भेटलं तेव्हा मी खूप घाबरले, मैंने सच में प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाहट दे रहा है, मी म्हटलं खरोखर काय देव मला सेवासाठी पाचारण देतोय, फिर मैंने अपने आप को प्रभु के सेवा के लिए समर्पण करने मतलब अपने आप को प्रभु के लिए सौंप दिया, मी खरोखर देवाची सेवा करण्यासाठी स्वतःला समर्पण केलं, बहुत सारी रुकावट आहे, खूप अडचणी आल्या, लेकिन प्रभु ने फिर भी हमारी मदद की, पण देवाने आम्हाला मदत केली, और 2003 प्रभु की सेवा करने के लिए मैंने और मेरी छोटी बहन ने समर्पण किया, मी आणि माझ्या छोट्या बहिणीने देवाची सेवा करण्यासाठी समर्पण केले, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग झाल्यानंतर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, देवाची इच्छा करण्यानुसार, और बड़ों की अगुवाई से, मोठ्यांचं आज्ञांचं पालन करण्यानुसार, मेरी बदली कटक सेंटर में हो गई, माझी बदली कटक या मंडळीत झाली, वहां पर सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, तिकडे सेवा करण्यासाठी देवाने मला कृपा दिली, 7 वहां पर सेवा करने के बाद, 7 तिकडे सेवा केल्यानंतर 2012 मेरी बदली अंडमान में हो गई, माझं बदली अंडमान या स्थानात झालं, अंडमान की सेवा छोटी होने से बहुत कष्ट है वहां पर, अंडमान ची सेवा जरी छोटी असली तरी तिकडे फार कष्ट आहेत, फिर भी बहुत खुशी के साथ सेवा करने के लिए प्रभु ने मदद किया, तरी खूप आनंदाने देवाची सेवा करण्यासाठी देवाने कृपा दिली, वहां भी प्रभु मेरे साथ रहकर हर एक बातों में मुझे जय देके चलाते आया, तिकडे देव माझ्या सोबत असून मला विजय देत राहिला, इसे परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूं, देवाच्या नावाला धन्यवाद देते, वहां पर 4 सेवा खत्म करके, तिकडे 4 सेवा संपल्यानंतर, उसके बाद मेरा बदली धारीवाल सेंटर में हो गया, त्याच्यानंतर माझी बदली धारीवाल या सभेत झाली, 2016 मैं धारीवाल सेंटर में गई, 2016 त्या ठिकाणी मी धारीवाल या ठिकाणी गेले, और वहां पर भी प्रभु ने मेरे सेवा को आशीष किया, तिकडे देवाने माझ्या सेवेला आशीर्वादित केले, जब मैं पहले लोकल में गई, जेव्हा मी पहिले लोकल मध्ये गेले, वहां पर मैं बहुत बीमार हो गई थी, तिकडे मी खूप आजारी होते, मेरे पैर में दोनों पैर में एलर्जी हो गया था, माझ्या दोन्ही पायामध्ये एलर्जी झाली होती, घुटने के नीचे मेरा पैर पूरा पक गया था, गुडघ्याच्या खाली माझा पूर्ण पैर पक सडला होता, हाँ उसमें से पस निकलता था, पानी निकलता था, खून निकलता था, तिथून पानी व रक्त असं निघत होतं, तो मैं 3 तक मैं बेड से नीचे नहीं उतरी, 3 झाले मी खाटावरून खाली उतरत नसे, ना मैं परमेश्वर के सम्मुख में गई, देवाच्या सानिध्यात जात नसे, संडे मीटिंग में भी मैं नहीं जा सकती थी, संडे सभेमध्ये जात नव्हते, ऐसे मेरा हालत बहुत ही खराब हो गया था, अशी माझी तब्येत फार आजारी अशी, तब एक दिन जब टेरी मीटिंग चल रहा था, जेव्हा पवित्र आत्म्याची वाट पाहण्याची सभा चालू होती, तब मैं अपने चेयर में बैठ के मैं दुआ कर रही थी, तेव्हा मी खुर्चीवर बसून अशी प्रार्थना करत होते, मैं बहुत दुखी होके मैं बहुत जो वहां सब लोग आत्मा में भर रहे थे, नैराश्य या अवस्था मी भरून खूप प्रार्थना करत होते, नाही बाकी टेरी मीटिंग में सारे विश्वासी लोग आत्मा में भर रहे थे, आणि जेव्हा पवित्र आत्म्याची वाट पाहण्या सभेमध्ये सगळे मंडळी अभिषेक मध्ये भरत होते, तब मैं यहां पर बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी, तेव्हा मी खूप मोठ्याने इकडे रडत बसली होते, पूरे दिल से मैं चिल्लाकर प्रभु के सम्मुख में रोई, पूर्ण हृदयाने मी देवाच्या सानिध्यात बसून रडत होते, मैं प्रभु से कहा बस और मैं नहीं सहन कर सकती, मी देवाला म्हटलं बस आता अजून मी सहन करू शकत नाही, मेरे सहने से बाहर है, माझ्या सहन करण्याच्या पलीकडे आहे, तब प्रभु का आवाज मैंने सुना, तेव्हा देवाची वाणी मी ऐकली की मेरा अनुग्रह तेरली काफी है, माझी कृपा दृष्टी तुझी तुला पुरेशी आहे, मैं परीक्षा के बाहर सहने के लिए तुझे सामर्थ्य मैं परीक्षा के बाहर मतलब सहने के बाहर तुझे परीक्षा नहीं दूंगा, मी तुला जेवढं सहन होतं त्याच्या अतिरिक्त परीक्षा देणार नाही, और सचमुच उसी समय मेरे सारे आंसू को प्रभु ने पोछ दिया, खरोखर त्याच वेळी माझे सर्व आंसू डोळ्याने देवाने पुसून टाकले, और मुझे एक बड़ी तसल्ली हुई, आणि मला एक शांती आणि तसल्ली दिली, और उसके बाद धीरे धीरे प्रभु मेरे सारे घावों को चंगा करा, त्याच्यानंतर हळूहळू सगळे आजार देव माझे बरं करत होता, सचमुच प्रभु मेरा वैद्य होकर दिखाई दिया, खरोखर देव माझा वैद्य असा दिसून आला, प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगाई दिया, देवाने मला पूर्णपणे आरोग्य दिले, अभी मेरे पैर में कोई भी मतलब खारिज नहीं है, आता माझ्या पायामध्ये कोणतीही खरूज नाही आहे, उसके बाद वहां पर सेवा करते मैं अभी एक लोकल में सेवा कर रही हूँ, तिकडे सेवा केल्यानंतर आता मैं एक लोकल मध्ये सेवा करत आहे, धारीवाल के लोकल में कोट कपूरा शहर में मैं सेवा कर रही हूँ, धारीवाल या ठिकाणी तिकडे मैं सेवा करत आहे, प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य समझ कर वहां एक सेवा दिया है, देवाने मला विश्वास योग्य समजून तिकडे मला सेवा दिली, उस सेवा को प्रभु आशीष करना चाहिए, त्या सेवा
आम्हाला ही देवाने आशीर्वादित केले पाहिजे और प्रभु के भवन में अंत तक विश्वास योग्य बने रह के पवित्रता के साथ सेवा करने के लिए आप लोगों से प्रार्थना की मांग करते हुए मेरी गवाही को समाप्त करती हूं। देवाच्या भवनात विश्वास योग्य राहून स्वतःची प्रार्थना आणि माझ्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा माझी छोटी मी साक्ष संपवते। परमेश्वर के नाम की स्तुति देवाची स्तुति असो।